Assalamu alaikum and very good morning to all my dear students. As we know that we have completed our term 1 exam. Hope you have done well in your exam. Now it's time for our PT2 syllabus. So from today onwards, we start our PT2 syllabus from Unit 5, the yellow butterfly. Students, take out your marigold textbook. We will start the new lesson, Unit 5, the yellow butterfly, and open the page number 47 in your marigold textbook. Page number 47, and the lesson is the yellow butterfly. Today I will read and explain this new lesson. Okay, students, the yellow butterfly. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. एक पीले रंग की तितली थी, वो सोनू के गार्डन में उड़ रही थी. Sonu saw the butterfly. सोनू ने क्या देखा? वो बटरफ्लाई को देखा. He ran to catch it. और वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ा. The butterfly flew to the rose bed. और वो तितली कहाँ चली गई? तितली वहाँ रोज़ यानी गुलाब के ऊपर जाके बैठ गई. इट सेट ऑन अ रेड रोज़. और वो वहाँ पे सेट हो गई. नाउ आई कैन कैच इट. सोनू ने क्या कहा? अब मैं उसको पकड़ सकूँगा. सेड सोनू. ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. सो सोनू क्या करने लगा? धीरे से और चुपके से वो बटरफ्लाई को पकड़ने लगा. He came closer and still closer, but then और वो चुप नज़दीक आने लगा, बहुत नज़दीक और नज़दीक आने लगा. और क्या हुआ? Off flew the butterfly. और वो बटरफ्लाई वहाँ से और वो तितली फिर वहाँ से उड़ गई. Where did the butterfly go? Butterfly कहाँ चला गया? Near the garden was a pond. वो गार्डन के पास में एक pond यानी तालाब था. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. तो वो पॉन्ड के अंदर क्या था? वाइट लोटस, जो कमल के फूल होते ना वाइट कलर के, वो उसके अंदर थे. इट ग्रू राउंड लीव्स. और उसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? राउंड होते हैं. दे फ्लोटेड इन द वाटर. और वो क्या होता है? पानी के अंदर वो क्या होते हैं? फ्लोटेड यानी तैरते हुए. लुक एट दिस पिक्चर. वो जो ये लीव्स है और ये वाइट लोटस है और वो क्या होते हैं? पानी के ऊपर तैरते हैं. द बटरफ्लाई सेल ऑन अ फ्लोटिंग लीव. और जो वो तितली थी वो कहाँ पे तैरने लगी? वो जो फ्लोटिंग लीव्स थे ना, वो जो तैरते लीव्स है ना, उसके ऊपर वो तैरने लगी. सोनू वेंट स्प्लैश इन टू द वाटर. अब ये सोनू ने क्या करा? वो पानी के अंदर आ गया और एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. और जब वो पानी के अंदर तैरता हुआ आया तब वो वहाँ से बटरफ्लाई जो तितलियाँ थी वहाँ से वापस उड़ गई. वेयर वॉज इट. अब वो कहाँ है? सोनू लुक्ड अप. ही लुक्ड डाउन. सोनू ने ऊपर देखा, सोनू ने नीचे देखा. नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री. और जो वॉल के नज़दीक थी वहाँ पे एक पीच ट्री थी, वहाँ पर भी देखा. इट हैड पिंक फ्लावर्स. द पीच ट्री हैड विच कलर फ्लावर? पिंक कलर फ्लावर. द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रेटी फ्लावर. अब ये जो बटरफ्लाई थे वो एक बहुत सुंदर से फ्लावर पे जाके बैठ गए. आई कैन कैच यू, शाउटेड सोनू. सोनू चिल्ला के बोलने लगा, मैं उसको पकड़ लूँगा. ही क्लाइम, वो पेड़ चढ़ने लगा. ही क्लाइम अप द ट्री, वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा. अप अप ही क्लाइम, ऊपर ऊपर वो चढ़ता ही गया. बट बैक इट फ्लू, बट वो फिर से वहाँ से उड़ गई. डाउन फ्रॉम द ट्री, सोनू जंप डाउन टू.
ही चेज़ द बटरफ्लाई। नाव सोनू वहाँ ट्री पे से नीचे उतरा और वहाँ से जंप किया और ही वो बटरफ्लाई के पीछे वापस पीछे पड़ गया, चेज यानी उसका पीछा करने लगा। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री। फ्रॉम द रोज यानी रोज़ गुलाब से वो कहाँ गया, लोटस पे गया, और लोटस पर से वो बटरफ्लाई कहाँ गया, पीच ट्री पर। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, बट सोनू बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया। स्टूडेंट टर्न द पेज, पेज नंबर 48। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। सोनू अब वो बटरफ्लाई को नहीं देख पा रहा था। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने चारों तरफ देखा। एट लास्ट ही सो द बटरफ्लाई, और लास्ट में उसको बटरफ्लाई दिखने लगी। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, और वो जो पीच का पेड़ था ना उस पर क्या था, एक बड़ा सा स्पाइडर वेब, स्पाइडर यानी मकड़ी का जाला था। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, जो बटरफ्लाई था ना वो जो तितली, वो स्पाइडर के वेब में फंस गई। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप। सो वो कैसी दिख रही थी, वो बहुत सैड दिख रही थी, और वो क्या कर रही थी, वो वहाँ से छूटने के लिए ट्राई कर रही थी। इट फ्लटर्ड इट्स विंग, वो अपनी पंख को फड़फड़ा रही थी। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, बटरफ्लाई मुड़ने लगी और टर्न करने लगी। बट इट कुड नॉट एस्केप, पर वो वहाँ से छूट नहीं पाई। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, स्पाइडर का जो वेब था उसने उसको टाइट से पकड़ा हुआ था। पुअर बटरफ्लाई, वो बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, और जो वेब था उसके मिडल में बीचों बीच एक बड़ा सा स्पाइडर था। इट लुक्ड हंग्री, और वो कैसा दिख रहा था, वो बहुत भूखा लग रहा था। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, और वो स्पाइडर वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था। क्लोजर एंड क्लोजर क्राउड द ब्लैक स्पाइडर। सो द ब्लैक स्पाइडर धीरे धीरे से क्राउल करते हुए उसके नज़दीक आने लगा। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रेन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। स्पाइडर वो बटरफ्लाई को पकड़े उसके पहला सोनू ने क्या किया, सोनू दौड़ के वो बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रेटी, वो बहुत सुंदर था। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके येलो विंग्स के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट थे। सोनू लव द लिटल बटरफ्लाई, सोनू वो छोटे से बटरफ्लाई को बहुत पसंद करता था। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, पर वो सोनू के हाथ में जब था तो बहुत उदास लग रहा था। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, सोनू उसको खुश देखना चाहता था। गो शेड सोनू फ्लाई अवे, सोनू ने कहा जाओ और उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सेट ऑन द रेड रोज, और वो बटरफ्लाई रेड कलर के रोज के ऊपर जाके बैठ गया। इट फ्लू टू द पीच ट्री, और वहाँ से वो उड़ के पीच ट्री पे गया। एंड देन सेल ऑन अ लोटस लीफ, और उसके बाद लोटस के लीफ पे ऊपर वो तैरने लगा। इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, वो बहुत खुश होकर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठने लगा। सोनू वॉच्ड इट, सोनू ने उसको देखने लगा। फ्लाई एंड फ्लाई, उड़ता ही गया। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। सो अब क्या हुआ, जो बटरफ्लाई थी वो सोनू के गार्डन में पहले के जैसे ही खुशी से और
आज़ादी से वहाँ वापस घूमने लगी। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज रिटन बाय नीलिमा सिन्हा। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज नीलिमा सिन्हा। डियर स्टूडेंट्स, द येलो बटरफ्लाई स्टोरी एंड्स हियर। नाउ वी विल डू द न्यू वर्स एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।